हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो यहाँ पे आज जो हम बर्निंग इशू डिस्कस करने वाले हैं ये थोड़ा सा स्टैटिक के साथ में चलेगा। रीज़न क्या है, ये न्यूज़ ऑलरेडी मैंने इसको कवर तो किया था बट मुझे लगा कि एक बार थोड़ा सा इसके डिटेल में भी हम लोग को बात कर लेनी चाहिए, तो ये सेशन आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया जा रहा है। वेल, सुबह 7 से 8 आप लोगों का मेन करंट अफेयर का क्लास होता है इसी चैनल पे, इसको देखना मत भूला करिए। और 11 बजे आप लोगों का एसएससी बेस्ड पूरा एक सेशन होता है हाफ एन आवर का, उसको भी देखना मत भूला करो। बर्निंग इशू के दो शेड्यूल रहते हैं, एक होता है सुबह 8 बजे और दूसरा होता है आपका शाम में 5:45 बजे। ये तो हो गया यूट्यूब का शेड्यूल, लेकिन अनअकैडमी पे अभी 8:10 पे आपका जो सेशन लगा हुआ है दैट इज पॉलिटी क्लास, ठीक है। और इसके लिए आप मुझे क्या कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज सुबह 7 से 8 आपका जो मेन करंट अफेयर्स का क्लास चलता है इसी चैनल पे, वहाँ पर वीडियो के जस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में सबसे पहला जो कमेंट मेंशन्ड है वाईफाई स्टडी के नाम से, वहाँ पर मेरा अनअकैडमी का लिंक लिखा है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्टली मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर आप मेरे सारे क्लासेस देख सकते हो, ठीक है। वेल, अब देखो यहाँ पे हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, शेषनाग ट्रेन के बारे में। ऑल्दो मैंने आपके साथ इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ था बट देखो एक बार से हम लोग देख लेते हैं। इंडियन रेलवे जो है उनके द्वारा एक नई ट्रेन बनाई गई है जो कि 2.4 किलोमीटर्स लंबी है, लॉन्ग है, ठीक है। डिस्टेंस नहीं है, एक बार मैं रिपीट करना चाहूँगी, डिस्टेंस नहीं है, ये ट्रेन की लेंथ है। क्या है, ट्रेन की लेंथ है। इसका नाम क्या है, शेषनाग। अब आप सोचोगे अच्छा तो फिर मैम इसमें कितने पैसेंजर्स आएंगे, भैया ध्यान रखिएगा ये पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ठीक है, ये पैसेंजर्स के लिए नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा, जितना भी सामान होता है, जितने भी गुड्स होते हैं, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, कोई भी सामान अगर होता है तो उसको इसके अंदर ले जाके एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाएगा। तो ये अभी पब्लिक के लिए नहीं है बल्कि किसके लिए स्टार्ट करी गई है, गुड्स के लिए स्टार्ट करी गई है। ये एक तरीके का एक्सपेरिमेंट किया गया है जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी जो ये सबसे पहली बार चलाई गई है नागपुर से लेके कोरबा के बीच में इसको चलाया गया है, और कितने किलोमीटर्स की है, तो दैट इज 2.4 किलोमीटर्स लॉन्ग। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है ये किसके पास है, तो ध्यान रखिएगा पीयूष गोयल जी के पास आपको ये मंत्रालय मिलता है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो क्या हो जाएगी, महाराष्ट्र, एंड ही इज द राज्यसभा मेंबर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछ लेते हैं सवाल में, सपोज करो कि क्वेश्चन को थोड़ा और ज़्यादा टफ बनाना है तो आपसे सवाल में पूछा आ सकता है कि कौन सा वाला रेलवे जोन है जिसके द्वारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। अच्छा, सेशन को ज़रा एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर मार दीजिएगा, और ये भी मुझे बता दो कि ये वाला जो जोन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर देखने को मिलता है। शेषनाग ट्रेन हैज़ टोटली 271 बोगीज। अगर इसमें पूछा रहा है कि भैया कितने डब्बे हैं, सीधे शब्दों में बात करें कितने डब्बे हैं, तो कितनी यहाँ पे हो जाएंगे, 251 रहेंगे। as well as 4 electric locomotives which are fitted in between 2 pole these bogies together। अब इनके बीच में क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन्स भी लगाए गए हैं जो इनके लिए काफ़ी अच्छी तरीके से काम करने वाले हैं। तो आप कह सकते हो यहाँ पे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे और एक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर इसको डेवलप किया गया है। वेल, ये तो बात हुई इसके बारे में, लेकिन आपको ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि इंडियन रेलवेज जो हैं इसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। प्राइवेटाइज का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि इसके जो शेयर्स हैं वो बेचे जा रहे हैं, नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है कि आपका अगर कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जो आप इंडियन रेलवे में ट्राई करना चाहते हो देन यू आर मोस्ट वेलकम। अब देखो, रेलवे क्रिएट्स हिस्ट्री, रन 2 किलोमीटर लॉन्ग एनाकोंडा फ्लाइट ट्रेन विद 177 बोगीज। अब अगर एक आपसे पूछा जाए भैया व्हाट इज एनाकोंडा, तो कम से कम यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी आपको एक ट्रेन का नाम देखने को मिल रहा है। और यहाँ आप देख सकते हैं सॉरी कि कितने किलोमीटर्स तक आप यहाँ पे आपको नजर आ रही है, भैया ये कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर्स लॉन्ग रहेगी, और यहाँ पे भी कितनी बोगीज आपको नजर आ रही है, 177। तो एनाकोंडा पूछा जाए या शेषनाग, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है ना, मेरे दिमाग में आता है एनाकोंडा, अच्छा तो ये तो कोई ना कोई स्नेक होगा, तो ऐसा ना हो आपके साथ। वेल, आगे देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, इट वुड पोटेंशियली रिड्यूस द टाइम। इससे क्या होगा, अगर ऐसे यहाँ पे ट्रेन वगैरह बनाई जाएंगी तो इससे जो टाइम है वो रिड्यूस होगा, ये एनाकोंडा की बात करें, ठीक है, उससे रिड्यूस होगा। और अगर देखा जाए तो ये कहाँ से कहाँ, फॉर्मेशन थ्रू बिलासपुर से लेके चक्रधारपुर तक की डिवीजन के बीच में आपको ये ट्रेन देखने को मिली। देखो, एग्जाम में सिर्फ नाम ही पूछे जाएंगे, और अगर सबसे पहली आपसे ट्रेन पूछी जाए कि इंडिया में कब चलाई गई थी, 1953 की बात हम जब कर रहे हैं, सॉरी 1853 की जब हम बात कर रहे हैं, तो 1853 में जब सबसे पहली ट्रेन इंडिया में चली थी तो कहाँ से कहाँ तक चली थी, जरा ये जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब देखो, जो मैंने अभी आपसे यहाँ पे बात करी थी ना प्राइवेटाइजेशन, उससे पहले एक पॉइंट और आता है कि जो इंडियन रेलवेज हैं वो आजकल थोड़ा पंक्चुअल होती चली जा रही हैं। पंक्चुअलिटी की बात करी जाए तो 100% पंक्चुअलिटी हैज बीन अचीव व्हेन द नेटवर्क इज रनिंग जस्ट 230 पैसेंजर्स ट्रेन। यहाँ पे आपको सामने लिखा हुआ नजर आ रहा है कि जो पंक्चुअलिटी का लेवल है वो काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। और ये पंक्चुअलिटी जो है कब अचीव करी गई है, 1 जुलाई 2020, मतलब समय से चलने वाली आजकल जो हमारी इंडियन रेलवेज है वो होती चली जा रही है। वेल नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे, द प्रीवियस बेस्ट पंक्चुअलिटी, अगर हम लोग पिछली बार की बात करें तो पिछली बार ऐसा कब हुआ था, तो पिछली बार ऐसा हुआ था 23 जून को। इसी साल ये चीज़ अचीव हुई थी जिसमें 99% की पंक्चुअलिटी देखने को मिली थी। देखो पंक्चुअलिटी हम यहाँ पे बार बार शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, पंक्चुअलिटी का मतलब होता है बी ऑन टाइम, कोई भी ऐसी चीज़ जो समय से हो, ठीक है। अब ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि अच्छा इतना अच्छा काम हो रहा है, अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ इसीलिए प्राइवेटाइज किया जा रहा है। तो प्राइवेटाइज करने का जो रीज़न है वो यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग एक पंक्चुअलिटी को मेंटेन करेंगे। प्राइवेटाइज करने के काफ़ी सारे रीज़न दिए गए, जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ में जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन होता है वो होगा। तो काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ के प्रोज ही होते हैं, उसके कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट करेंटली वेरी फ्यू ट्रेन्स आर रनिंग नाउ। अभी प्रेजेंट टाइम में आपको मालूम है कि कोविड के चलते बहुत सारी ऐसी ट्रेन्स हैं जो अभी बंद है, लेकिन कुछ ही ट्रेन्स को चलाया जा रहा है जिसमें गुड्स लेके जाया जा रहा है। ये ट्रेन्स जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे चल रही हैं। द मेंटेनेंस ऑफ द ट्रैक वॉज कैरीड आउट इन द क्विक टाइम। ट्रैक्स जो है उनको मेंटेन करने का काम चल ही रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि जब यहाँ पे गुड्स वाली जितनी ट्रेन वगैरह वो चल रही हैं तो मेंटेनेंस का जो प्रोसेस है वो तो ऑब्वियस सी बात है कि चलेगा ही चलेगा। स्पीड जो है वो यहाँ पे बढ़ाई गई है क्योंकि चीज़ों को तुरंत से तुरंत पहुँचाने का काम किया जा रहा है। तो हर एक जगह पर चीज़ों को यहाँ पर फ्लाइट को थ्रू पहुँचाया नहीं जा सकता। द रेलवेज आर वर्किंग ऑन जीरो बेस्ड टाइम टेबल। यहाँ पे भी ये काम क्या कर रहे हैं कि हमें ऐसे तरीके से काम करना है कि हर एक चीज़ में आपको टाइम पंक्चुअलिटी देखने को मिले, यानी कि अगर 6 बजे दैट मीन्स 6 बजे ही होना चाहिए, फिर ना 1 मिनट ज़्यादा ना 1 मिनट कम, ऐसी वाली सिचुएशन अचीव करने की बात कही जा रही है। इन दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रेन दैट एंटर्स द नेटवर्क इज जस्टिफाइड बेस्ड ऑन द नीड्स एंड द कॉस्ट। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है कि इस तरीके से अगर ट्रेन काम करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इनकी नीड क्या है और इनकी कॉस्ट क्या है, इसके ऊपर हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो डिपेंड करेगी कि किस तरीके से यहाँ पे जो ज़रूरतें हैं हमारी रेलवे मिनिस्ट्री की, उसको सरकार के द्वारा पूरा किया जाना चाहिए और कितना इन्वेस्टमेंट किया जाएगा ये भी गवर्नमेंट को ही डिसाइड करना है, ठीक है। अब यहाँ से एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, सबसे पहला सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा शेषनाग के बारे में, इसकी लेंथ कितनी है वो पूछ लेगा। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा एनाकोंडा के बारे में, कैसी ट्रेन है ये, तो आपकी फ्राइट ट्रेन हो जाएगी। कहाँ से कहाँ ये आपसे डिवीजन पूछा जा सकता है, चांसेस हैं, लेकिन ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है। अगली चीज़, ये जो 100% पंक्चुअलिटी अचीव हुई है इसकी डेट क्या है, दैट इज़ 1 जुलाई। इसके अलावा इस वाले पॉइंट से कोई भी सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो जितने पॉइंट्स बन सकते थे मैंने आपको बता दिया, बस एग्जाम के लिए इतना रट्टा मार लेना। इसके अलावा अब जीएस की बात कर लें तो ये जो बैच स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, ये बैच 15 जुलाई से शुरू हो जाएगा। एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एनटीपीसी रेलवे हो गया, डीआरडीओ हो गया, एनडीए सीरीज फॉर एनी एग्जाम, या फिर आप स्टेट लेवल के लिए भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो, बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। कब से शुरू होगा, 15 तारीख से, और इसका जो लिंक है वो भी आपको मिल जाएगा कहाँ, 7 से 8 बजे का जो सुबह क्लास होता है ना, उसके जस्ट नीचे कमेंट में अभी बताया था ना कि वहाँ पे लिंक लगा हुआ है, लिखा है फॉलो मी ऑन अनअकैडमी। सबसे पहला जो कमेंट है वीडियो के जस्ट नीचे, कमेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनना, वहीं पर वो लिंक है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे आप वहाँ पे इस बैच को ढूंढ सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम पे देख लो करंट अफेयर्स बाय कृति के नाम से, उस पर भी ये जो लिंक है वो ऑलरेडी शेयर है। ध्यान रखिएगा कि इसमें पहले ज्योग्राफी शुरू हो रही है, देन पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ये सारे के सारे जीएस के सब्जेक्ट हम आपको पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बेसिक टू एडवांस चलेगा। और जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे तो मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश ये सब्जेक्ट्स भी आपको साथ में मिल जाएंगे, अलग अलग भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बस ध्यान रखना कोड क्या यूज होगा, कोड विल बी कृति 10, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से कहाँ पर, अनअकैडमी पे जो क्लास चल रहा है वहाँ पे आपसे मुलाकात होगी, कितने बजे, 8:10 पे, जरा समय पे वहाँ पे पहुँच जाएंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।